गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ अनिका गौर। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ लिपस्टिक जो मैंने नायका से मंगाई थी। नायका में दोबारा सेल लगने वाली है, तो अगर आपको कोई भी लिपस्टिक पसंद आती है तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो भी एग्जैक्ट प्राइस होगा मैं स्क्रीन पे जरूर मेंशन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे जितनी भी मैं वीडियो बनाऊँ। तो जो फर्स्ट लिपस्टिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है इनसाइड की नॉन ट्रांसफर लिप कलर। यहाँ पे इसकी बहुत ही बेसिक सी पैकेजिंग है, जो ऊपर एप्लीकेटर वाला पार्ट है उस पे नॉन ट्रांसफर लिप कलर लिखा हुआ है, जो नीचे बॉटल पार्ट है उसमें इनसाइड लिखा हुआ है। तो जो इसका एप्लीकेटर है वो बेसिक सा है, फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक ठाक है। इस लिपस्टिक में बहुत सारे शेड आते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। ये वाला जो शेड है ये है इनसाइड 20 रॉयल, ये वाइन कलर का शेड है। मैं आपको इसका स्वाच दिखाती हूँ। तो ये जो लिपस्टिक है सुपर पिगमेंटेड लिपस्टिक है, नॉन ट्रांसफर स्मच प्रूफ लिपस्टिक है। जो कहती है कि ये मैट लिपस्टिक है, तो ये सच में मैट लिपस्टिक है, वरना कुछ लिपस्टिक में मैट लिपस्टिक लिखा रहता है लेकिन वो क्रीमी होती है और 2-3 घंटे भी सही से नहीं टिक पाती, लेकिन ये लिपस्टिक आराम से 5-6 घंटे तक आपके लिप्स पर टिक जाएगी। अगर आप कोई भी हैवी मील ले रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, तो ये सारी लिपस्टिक ट्रांसफर हो जाती है बीच से। अगर आप लाइट मील ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती है, बिल्कुल भी फेड नहीं होती है। ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, आपको जरूर परचेज करनी चाहिए। तो जो सेकंड लिपस्टिक है वो है मेबलिन की न्यू नवांस लिपस्टिक। बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है, आपने काफी सारे यूट्यूबर्स को इसे रिकमेंड करते हुए देखा होगा, सच में बहुत ही प्यारा है। और ये जो लिपस्टिक है इसके जो सारे शेड है इसी पैकेजिंग पे आते हैं। आपको ये नीचे यहाँ पे इसका शेड नंबर लिखा रहता है और कलर दिया रहता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने शेड चूज कर सकते हैं। तो ये जो लिपस्टिक है बुलेट लिपस्टिक है, जो कुछ इस तरीके से दिखती है। इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, काफ़ी पिगमेंटेड है, लेकिन ये मैट लिपस्टिक नहीं है, ये क्रीमी लिपस्टिक है, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है। तो अगर आपको मैट लिपस्टिक पसंद है तो ये लिपस्टिक आपके लिए नहीं है। अगर आपको क्रीमी लिपस्टिक पसंद है तो इस लिपस्टिक को आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, मीडियम टू फेयर स्किन पर अच्छी दिखती है, लेकिन शायद डीप स्किन पर इतनी अच्छी उभर के ना आए। तो जो थर्ड लिपस्टिक है वो मैंने मिनी लिपस्टिक मंगाई। ये लिपस्टिक मैं सिर्फ ट्राई करने के लिए मंगा रही थी, क्योंकि जो बड़ी वाली लिपस्टिक है वो 550 या फिर कुछ इसी रेंज में आती है, और ये 235 की रेंज में है। बहुत छोटी सी है, क्यूट सी पैकेजिंग है, ये मैं सिर्फ ट्राई करने के लिए मंगाई थी, और बहुत प्यारा शेड है, ये शेड मैंने अभी वेयर किया हुआ है। तो ये जो शेड है ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, पीची ब्राउनिश कलर में है, शेड का नाम है Bombay 01। ये नॉन ट्रांसफर स्मच प्रूफ मैट लिपस्टिक है, लेकिन 235 में ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत छोटा साइज इसका मिलता है। तो ये मैंने सेल में ख़रीदी थी तो मुझे 200 के अंडर मिल गई, और इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये सेल पे ही ख़रीदें, क्योंकि सेल पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो है स्विस ब्यूटी की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम लिपस्टिक। ये कुछ इस तरीके की दिखती है, ये देखिए इस तरीके की रही, लेकिन इसकी पैकेजिंग इस तरीके की नहीं थी, कुछ इस तरीके की कैप थी जो अब निकल गई है, तो मैं इसको ऐसे यूज करती हूँ। यहाँ पे इसका शेड दिया हुआ है, तो ये जो शेड है 09 रेड स्मोक शेड है, और बहुत प्यारा रेड कलर है। लिपस्टिक नॉन ट्रांसफर है, स्मच प्रूफ है, बहुत प्यारी लिपस्टिक है, लेकिन काफी टाइम तक रखो तो थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है, तो बहुत ही अच्छा लिप शेड है, आपको जरूर देखना चाहिए। जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो है ब्लू हेवन की पाउडर मैट लिपस्टिक है। पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, ऊपर यहाँ पे इसकी कैप में गोल्डन कलर से लिखा हुआ है। तो इस लिपस्टिक के साथ ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि इस पे जो पीछे स्टिकर लगा है रूबी ग्लो का, ये ऑरेंज कलर का है, और इस लिपस्टिक का कलर पिंकिश रेड कलर में है, एकदम ये डार्क रेड भी नहीं है, तो बस थोड़ा बहुत ये कन्फ्यूजन था। और ये पाउडर मैट लिपस्टिक लिखा है, लेकिन ये बिल्कुल भी मैट लिपस्टिक नहीं है, ये थोड़ा सा भी मैट नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफर हो जाती है। इसमें हल्की सी केमिकल वाली फ्रेग्रेंस आती है जो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन अगर आप लिपस्टिक के कलर को देखेंगे तो कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, इसमें बहुत सारे शेड आते हैं। बाकी रही ट्रांसफ़र की बात, तो बहुत सारी महंगी लिपस्टिक भी ट्रांसफ़र होती है, 150 के प्राइस में ये अफोर्डेबल लिपस्टिक है। आज की वीडियो में जितनी भी लिपस्टिक मैंने आपके साथ शेयर की है उनके शेड्स बिल्कुल वैसे ही जैसे वो स्क्रीन पर देख रहे हैं, बस ये जो ब्लू हेवन वाली लिपस्टिक है इसके साथ थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसके जो पीछे शेड नंबर दे रखा है इसका स्टिकर ऑरेंज कलर का है और लिपस्टिक रेड कलर की है।
बाकी सारे लिपस्टिक भी वैसे दिख रही है जैसे उनके शेड है। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।